हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ परवीन। सो होप यू ऑल गाइस आर डूइंग गुड देयर एज डे बाय डे इट्स टर्निंग आउट टू बी वेरी बैड एंड होप यू ऑल आर स्टेइंग सेफ। सो गाइस, हम बाहर जा रहे हैं नया रेफ्रिजरेटर लेने के लिए। एक्चुअली हमारा गांव में जो फ्रिज है वो ख़राब हो गया है एंड हमने सोचा था कि ये हमारा घर में सिंगल डोर का है, ये हम गांव ले चलते हैं एंड यहाँ हमको डबल डोर का लेने का इरादा है तो अभी ले लेते हैं बोल के। एक्चुअली एक महीना है बकरीद के लिए, लेकिन हमने सोचा कि एक महीना में पता नहीं बाहर कैसा होगा तो अभी ले लेते हैं बोल के इसीलिए जा रहे हैं एंड इंशाल्लाह हम बकरीद के लिए गांव जाने का प्लान बना रहे हैं। तो तब तक के लिए सब ठीक रहे तो हम गाँव में ही जाके ईद मनाते हैं या फिर यहीं पर रहेंगे, पता नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है एक फ्रिज सैमसंग वाला डबल डोर का। यहाँ तो बहुत सारे है बट स्टॉक पुराना है एंड मुझे तो कुछ भी उतना अच्छा नहीं लगा, बट सैमसंग का एक अच्छा लगा तो हमने बस वही ले लिया एंड क्राउड भी ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी, कस्टमर्स बहुत कम है। एंड वहाँ होने के बाद हम रामराज कॉटन यहाँ ये शोरूम में आए बिकॉज फेस मास्क जो भी है ना अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम बाहर जाते हैं तो ला के जाना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड को तो ऑफिस जाते हैं उनको तो बहुत ही ज़रूरत है, तो ये रामराज ब्रांड में फेस मास्क जो भी है नया आया है बहुत ही अच्छा है। तो लाल जी को लेने का इरादा था इसीलिए हम गए एंड जो उन्होंने पकड़ा है ना वो बनियान क्लॉथ बोलते हैं ना, जो वेस्ट क्लॉथ होता है वो क्लॉथ का है एंड उसमें भी बहुत सारे कलर्स है एंड साइजेस अवेलेबल है, बट हमने वो वाला नहीं लिया, हम प्योर वाइट का जो कॉटन में आता है ना वो वाला लिया है बिकॉज़ ये फॉर्मल पहनते हैं ना तो फॉर्मल पे ऐसे कलर कलर वाले सूट नहीं करते, तो हमने वाइट वाला लिया एंड ये जो भी पैक हम लेते हैं ना उसमें 5 पीसेस होंगे, साइज़ एल एस एक्सेल ये सब साइजेस अवेलेबल है एंड ये जो दिखा रहे हैं ना ये किड्स का है, स्मॉल साइज़ का है एंड ये वाइट वाले जो भी मास्क है इस पे वो रामराज का लोगो हमको दिखाई देगा साइड में एंड ये 2 लेयर परफेक्ट फिट एंटी डस्ट एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी पोल्यूशन मास्क है एंड बहुत कंफर्टेबल है बिकॉज मैंने 2 टाइम्स यूज़ किया है बाहर जब हम गए थे तब। सो गाइस, अगर आपको मास्क लेने का इरादा है द बेस्ट मास्क इज़ रामराज कॉटन वाला, सो आप विदाउट एनी डाउट ये मास्क ले सकते हैं बिकॉज़ मैंने यूज़ किया है इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, कंफर्ट फील करते हैं। अभी मार्केट में तो बहुत से मास्क अवेलेबल है बट हम किसी में भी उतना कंफर्ट फील नहीं करते हैं जितना कि ये है। और अभी लाल जी को किड्स का सेक्शन मिल गया है एंड आहिल के लिए शर्ट देख रहे हैं जो कि रामराज कॉटन बहुत ही अच्छा ब्रांड है एंड वाइट शर्ट लेना चाहते थे बहुत दिन से तो अभी मौका मिल गया एंड वहाँ पे शर्ट भी मिल गया। सो आज संडे है ना तो पूरा शोरूम खाली है, वैसे भी आजकल बाहर ज़्यादा शॉपिंग वगैरह कोई नहीं कर रहा है कोरोना के कारण, तो एक्चुअली लेडीज़ सेक्शन भी है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर में है बट मुझे तो फ़िलहाल के लिए तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है इसीलिए हम बस वही लेके शर्ट लेके आ गए। सो नाउ वी आर बैक टू होम, हम घर जा रहे हैं एंड आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे बाइक्स है। ये रेलवे न्यू कॉलोनी का ग्राउंड है जो कि कितने सारे लड़के विदाउट एनी मास्क विदाउट सोशल डिस्टेंस वो क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं हैरान हूँ ये देखे कि इस सिचुएशन में भी क्रिकेट खेलने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे कि तुम तो आज देख रही हो बट एवरीडे ऐसे ही होता है, वैसे भी अल्लाह जाने इनका क्या होगा। एंड हम घर जा रहे हैं तो रास्ते में जैकफ्रूट ही जैकफ्रूट दिखाई दे रहा है और पूरा क्लाउडी क्लाउडी सा है, बहुत सारे क्लाउड्स आ गए जैसे कि बारिश होने वाला है, बहुत ही ठंडा हो गया क्लाइमेट एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैकफ्रूट एंड मैंगोज़ का सीज़न एंड होने आ गया तो अभी फ़िलहाल के लिए हम कुछ भी फ्रूट्स वगैरह नहीं लिया बाहर से, घर पर है। आप यहाँ भी देख सकते हैं जैकफ्रूट्स एंड पाइनएप्पल्स, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे तो बहुत सारे माउंटेंस भी होते हैं इसका पीछे, सो
ऑल्सो माउंटेन्स एंड क्लाउड्स एंड रोड्स तो इतने खाली है, सिटी बसेस तो रुक गए ना, सिटी बसेस तो नहीं चल रहे, इसीलिए आप रोड्स कितना एम्प्टी दिखाई दे रहा है, वरना सिटी बसेस घूमते हैं ना तो ये रोड बहुत ही ट्रैफिक ट्रैफिक जैसा ही रहता है। एंड गाइस, हम रेफ्रिजरेटर लेने के बाद स्टेशनरी शॉप गए थे आहिल के लिए कुछ बुक्स लेने के लिए, तो एक्चुअली वहाँ पे मुझे याद नहीं था वरना मैं रिकॉर्ड करती, तो मैंने कुछ बुक्स लिए हैं, ड्राइंग बुक्स एंड कुछ स्टोरी बुक्स एंड उसके पढ़ाई के लिए। वैसे भी हम इस साल हम आहिल को स्कूल में डालने वाले थे, बट अब कोरोना के कारण स्कूल्स तो बंद है, तो फ़िलहाल घर में ही पढ़ा रही हूँ। एंड जो भी बुक्स ज़रूरत है मैंने वो सब लिया है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं को ड्रंक करके गिर गया है एंड ट्रैफिक पुलिस उसके फेस पे वाटर डाल रहा है। एंड यहाँ पे तो कितने सारे वाइन शॉप हैं आप देख सकते हैं आगे में, बहुत ही बड़ा लंबा लाइन लगा रहता है वाइन शॉप के आगे। पहले की तरह नॉर्मल लाइफ तो अभी इम्पॉसिबल है एंड पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। जो भी है 3 मंथ्स में हमको थोड़ा बहुत आदत हो गया एंड अभी तो ऐसा ही चलेगा, सबको आदत डालना पड़ता है। एंड आप यहाँ आगे देख सकते हैं एक वाइन शॉप है, यहाँ पे जब हम शॉप के लिए जा रहे थे तभी तो बहुत बड़ा लाइन था, अभी कम हो गया। एंड और थोड़ा आगे में आप देख सकते हैं वहाँ पे तो फाइटिंग भी हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो बहुत ही लंबा लाइन है। यहाँ तो ये बहुत ही कॉमन है, संडे आता है तो ऐसे ही रहता है। देखिए कितने सारे आदमी, सोशल डिस्टेंस नहीं है, थोड़े लोग को मास्क भी नहीं है, ऐसे ही झगड़ते रहते हैं। हम बाहर गए थे लेकिन मेरा पूरा ध्यान आहिल पे था, बिकॉज़ वो मेरे बिना एक मिनट भी वो नहीं रहता है मेरे बिना, तो पता नहीं वो घर में क्या कर रहा है, रो रहा है। मतलब हमने फ़ोन किया है वहाँ शोरूम से, कह रहे थे कि खेल रहा है, मतलब पूछ रहा है मम्मा कहाँ है बोल के ऐसे बता रहे थे, तो इसे बहुत मिस कर रही थी मैं उसको। ऐसे लग रहा था कि कितना जल्दी घर जाऊँ, कितना जल्दी उससे मिल लूँ। तो यहाँ पे भी हमारा एरिया में एक रक्षक का व्हीकल रहता है हमेशा, बिकॉज मेन रोड का जंक्शन है। एंड वैसे भी यहाँ पे भी एक दो केसेस आए थे, मतलब अब नहीं, मई में, तो तब से हमेशा यहाँ पे एवरीडे रहता है पुलिस का व्हीकल। एंड मुझे तो बहुत हेडेक हो रहा था बिकॉज मैंने मास्क इतनी लंबी देर तक यूज़ नहीं किया, मैं भी बाहर बहुत कम जाती हूँ ना, कम क्या, मैं बाहर तो बिल्कुल नहीं जाती। एंड हम आने के बाद फ्रेश हो गए एंड उसके बाद 1 घंटे के बाद हमारा रेफ्रिजरेटर का डिलीवरी हो गया। ये बस एक आदमी लेके आ गया, ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर में है एंड हम इसको पूरा सैनिटाइज, हैंड्स वगैरह सैनिटाइज करके ही हम अंदर लेके आए। और बच्चे को तो हम बिल्कुल भी समझा नहीं सकते, बिकॉज देखिए आहिल को मैं जितना उसको पीछे खींच रही हूँ, कितना समझा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, बस उसको देखना है तो देखना है। एंड यहाँ पे मेरी छोटी ननंद है जो हमारे घर के बैक साइड पीछे रहते हैं, तो वो और उनके बच्चे हमारे घर आए हैं, आज संडे है ना। एंड अभी ये देखिए इधर से घूम के उधर जा रहा है, उधर से घूम के इधर आ रहा है, मैंने मना किया उसको कुछ पकड़ने के लिए, बिल्कुल भी नहीं सुनता है वो, बच्चे तो बच्चे हैं। एंड अब आप देख सकते हैं हमारा फ्रिज डबल डोर का, मेरे हस्बैंड लाल जी मेजर कर रहे हैं इसका हाइट। एंड ये मेरी ननंद का बेटा है, निज्जू है इसका नाम। एंड एक और है पीछे, उसका नाम अफजल है, मतलब दोनों लड़के हैं मेरी छोटी ननंद को। एंड अब हम फ्रिज को तब तक के लिए वहाँ पे रख रहे हैं, बिकॉज़ हमारा पुराना फ्रिज जो है वो हम गांव लेके जाने के बाद वहाँ एम्प्टी होगा प्लेस, तो हम वहाँ सेट करके रखेंगे, फ़िलहाल के लिए यहाँ रख रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब ये एक ट्रेडिशन जैसा है, मेरी सासू मम जो भी हम नया सामान लेते हैं उसको थोड़ा संदल लगाते हैं, तो आहिल वही कर रहा है, मतलब मेरी ननंद पहले लगा दिया एंड अब आहिल ने कहा है कि मैं भी लगाऊंगा, तो अब वही कर रहा है, तो नया चीज़ है ना इसीलिए संदल लगा के हम स्टार्ट करते हैं, मेरी सासू मम ऐसी बोलती है तो हम वही करते हैं। तो बड़े जो भी कहते हैं अच्छा के लिए कहते हैं एंड ही इज़ वेरी हैप्पी एज यू कैन सी। सो ये हमारा ओपन व्यू है फ्रिज का, एज यू कैन सी इट्स वेरी स्पेशियस। एक्चुअली हमारा सिंगल डोर का जो रेफ्रिजरेटर है वो इतना स्पेशियस नहीं होता है, सबको पता है सिंगल डोर का। एंड ये ऑनियन बास्केट है जो कि हमारा पुराना रेफ्रिजरेटर में भी है, ऑनियन बास्केट। एंड पुराना मतलब बहुत पुराना नहीं, वो जस्ट 5 ईयर्स हुआ है वो फ्रिज लेके, एंड हम उसको गांव में रखेंगे
एंड वहाँ पे यूज़ करेंगे, जब भी हम जाते हैं वहाँ भी होना चाहिए ना, इसीलिए। एंड ये मेरी सासू मॉम है एंड मेरी छोटी ननंद है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड उनके बड़ी दीदी के साथ फ़ोन में बात कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पे आहिल स्क्वायरल को लेके आ गया, जो कि हमारे ननंद है उनके पास है एक स्क्वायरल छोटा सा, वो लेके आए थे आहिल को दिखाने के लिए। एंड ये मेरे हस्बैंड की बड़ी सिस्टर है, फ़ोन में वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे ना, वो गांव में रहते हैं उनके फैमिली के साथ। एंड यहाँ पे आहिल सबको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमने स्वीट नहीं लिया बाहर से, इसीलिए हम चॉकलेट्स लेके आ गए। तो इसके बाद हमने खीर बनाया है, मेरी छोटी ननंद ने बनवाया, तो हमने फ्रिज ऑन नहीं किया बिकॉज़ उन्होंने कहा है कि फ्रिज लाते समय ऊपर चढ़ाया गया है ना, तो उसमें गैस जो भी है ना वो बहुत ही शेक हो गया बोल के, तो हम तभी ऑन नहीं किए, देर के बाद ऑन करने के लिए बोले, तो अब ऑन किया आफ्टर 1 आवर एज यू कैन सी। आहिल बहुत हैप्पी हो गया देख के नया फ्रिज। एंड इसके बाद मेरे हस्बैंड ने क्रिस्पी कॉर्न बनाया है शाम को खाने के लिए, ये भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ मेरा फ़ोन पे चार्ज ख़त्म हो गया था, इसीलिए ये क्रिस्पी कॉर्न एंड शरबत जो भी मेरी ननंद ने बनाया है, ओनली दूध एंड सब्जा के सीड्स होते हैं ना, सिर्फ वो डाल के बनाया, बहुत ही टेस्टी था, वो भी मिस हो गया। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनाते हैं मेरे हस्बैंड ये रेसिपी, ये हम लॉकडाउन जो भी हुआ है ना, लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बना के शाम में खाते थे। एंड यहाँ आहिल स्क्वायरल के पीछे ही पड़ गया था, वो कह रहा था कि बार बार उसको बाहर निकालो पकड़ना है बोल के। एंड इसके बाद हम मूवी देखे थे, एंड ऐसे ही हमारा संडे बहुत अच्छी तरह से हो गया। होप यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। एंड यहाँ आहिल एंड मैं कुछ बातें कर रहे थे, वो सबको हाई हेलो बोल रहा था। सो टेक केयर एंड स्टे सेफ एवरीवन, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।